इसका पहला क्वेश्चन, तूने भी अपनी नाक में सर्दी नहीं करवाई है? तो आपका शेड्यूल क्या रहता है, आप कितने बजे उठते हो सुबह? अंदर अपन है, जैसी फाइट खत्म है डिसीजन के टाइम पे भगवान को याद करते हैं, ठीक है? हाय गाइस, वेलकम टू हम तुम और बातें। मैं हूं खुशी और मेरा नाम है आदित्य। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कविंदर बिश जी एंड आशीष चौधरी जी। दे बोथ आर एशियन मेडलिस्ट एंड आशीष जी ने तो टोक्यो ओलंपिक्स भी खेला है बॉक्सिंग में पहले, वैसे दिख ही रहा होगा सब कुछ। सो कि हमारा जो स्पोर्ट्स का आज थीम है वो सारा बॉक्सिंग के ऊपर है, तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि आशीष जी की जर्नी कहाँ से शुरू होती है। मैं एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे परिवार में से भी बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, तो मैं भी मेरे फादर जो है स्पोर्ट्स लवर थे, वो नेशनल लेवल के प्लेयर थे कबड्डी में, तो उनका बस ऐसा था कि मेरा बच्चा भी जो है जो बड़ा होते अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, तो वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बचपन से ही बड़ों को देख के। मेरे बड़े भाई थे वो नेशनल मेडलिस्ट थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनको देख के मैं बड़ा हुआ, तो मेरे भी वही इंटरेस्ट जागा कि मैं बॉक्सिंग करूँगा और कुछ करूँगा बॉक्सिंग में, बेटर करूँगा। तो बस सबकी दुआएं और प्यार की वजह से आज यहाँ पहुंचा। क्या बात है, क्या बात है। कविंदर भैया के बारे में तो थोड़ा बहुत अपन को पता था, आपके बारे में नहीं पता था। अब कविंदर भैया बताएंगे। कविंदर भैया आप बताओ, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपने कब बॉक्सिंग शुरू किया? मैं पहले बॉक्सिंग से पहले फुटबॉल खेलता था। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट तो स्पोर्ट्स में आने का मतलब पहले मेरा फुटबॉल ही था, लेकिन अब वो पता ही नहीं चला कि मोड कब चेंज हुआ, कब मैं फुटबॉल से बॉक्सिंग में आ गया तो पता नहीं चला। कितने साल के थे आप जब बॉक्सिंग शुरू किया? तो मैं तब हूंगा 12-13 साल का हूँ। मोड़ कौन सा था? किसी गली में आ गया था ना। अच्छा। तो हाँ, मतलब उन्होंने जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तो जो मेरे बेसिक कोच है उन्होंने मुझे मतलब ग्लव्स दिखा के मतलब एक बताया कि ये बॉक्सिंग भी होता, हमें उससे पहले पता नहीं था कि बॉक्सिंग कोई गेम भी है। तो उस टाइम पहली बार हमने बॉक्सिंग ग्लव्स देखा तो हमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि इसको मतलब ट्राई करते हैं। उस दिन ट्राई करने के बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई मतलब अच्छा गेम है, ये करना चाहिए। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, वही वाला ग्लव्स दिखा के आ जा। किसी को अगर नहीं पता तो ये नेशनल लेवल बॉक्सर है ये लड़की, तो ये ना आजकल मेरे को पैडिंग वगैरह करा रही है, इसने मेरे को कहा चल मैं तेरे को बॉक्सिंग सिखाती हूँ, तो हम जिम जाते हैं, तो मैंने कहा चल ठीक है। लॉलीपॉप देख के दूर से तो ना बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब हम जब देखते हैं दूर से कि बॉक्सिंग कोई फाइट चल रही है तो मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन आप जब एक्चुअल में करते हो तो उस टाइम पता चलता है कि अरे यार ये तो बहुत टफ है। वही होता ना कि ABCD सीखे बिना आप CAT CAT कैसे बना दोगे। एक 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 मेरा क्वेश्चन है यार, रिंग के अंदर जब आप लोग होते हो डर नहीं लगता कि मतलब कि पड़ जाएगी खिंचा के, मतलब क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट जो है वो बराबर का ही वो होता है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है। जब हम कंटिन्यू इस चीज में है तो हमें अब नहीं होता है, जब हम शुरुआत में स्टार्टिंग में सबको होता है, तो ट्रेनिंग में मार पड़ती होगी तो आदत हो जाती है। ट्रेनिंग में मार पड़ती है, हमारा तो काम सुबह से शाम ही है, सुबह वही होगा दिन में वही होगा। आपकी फर्स्ट स्पारिंग कैसी निकली थी? मेरी तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था। नहीं सच में, मतलब वो जो साथ साथ में स्पारिंग हो रही थी, इसमें मेरा बड़ा एक लंबी बड़ी स्टोरी बड़ी ट्रेजेडी है इसमें। मेरे एक फ्रेंड था मेरा, जो अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा उस टाइम दुश्मन हो गया। वो जब भी मैं मिलना उसने तो बस अच्छे से बात नहीं करनी, डराने की कोशिश करनी, वही थोड़ा सा गांव वाला वो थोड़ा सा होता है ना कि दबा के रखना, पर डरा के रखना। मैं हिमाचल सुंदरनगर से हूँ, हिमाचल से हूँ, सुंदरनगर से। तो वहीं पे एक छोटा सा वो है जो ग्राउंड है, वहाँ पे माहौल बना है बॉक्सिंग का, बहुत अच्छा माहौल है, तो हमारे कोच ने शर्मा में वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो फ्रेंड जो था वो मेरे को जानबूझ के, उसने क्या करना कि कुछ उसको पता था कि नया लड़का है,
कि आपका कल को अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड सबको पता था। तो वो क्या करता था, बार बार मेरे को फाइट के लिए बुलाता था और मेरे को जी भर के मारता और आप खाते और मैं ऐसा था कि इसने मेरे को मारा ना, बस कल मारूंगा, फिर आता फिर मार जाता था। और मैं फर्स्ट मतलब बोलता ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की फाइट हुई थी, तो मैं पहले उसी से आ रहा हूँ। तो अभी तक इनका एग्रेशन उतना ही है, मतलब अभी आप लोग इनकी बाउट देखोगे यूट्यूब में देखोगे या लाइव देखोगे, तो मतलब वही एग्रेशन है जो जिन्होंने जब जब इंसान जब मतलब हम लोग जब शुरू करते हैं ना, तो हमारा एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। उस टाइम हमें पता नहीं है ना कि हमें कितना एग्रेशन कहाँ लगाना है, लेकिन इनका एग्रेशन मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही टेम्पो रहता है, मतलब उतना ज्यादा इनमें एक कॉन्फिडेंस रहता है खेलने का। कहीं ना कहीं ये मेरे को बोल रहा है, लेकिन खुद भी ऐसा ही है। नहीं मेन ये चीज भी है कि हम दोनों ही मतलब पहाड़ी हैं, तो हम दोनों हिमाचल से, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हम लोग का ज्यादा मतलब आगे बढ़ने का या एक एग्रेशन वाला गेम, एग्रेशन आगे बढ़ के खेलता है, खेलता है मैं अग्रेसिव होके। तो देखो प्लेयर्स के लिए ऑब्वियसली आप दोनों डिफरेंट प्लेयर हो, एक डिफरेंट वेट कैटेगरी में, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट इंडिविजुअल। आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो अपनी अपनी एक मोटिवेशन होती है, रिंग के अंदर घुसते हो फिर एक मोटिवेशन होती है जिससे आप खेलते हो। तो आप दोनों की मोटिवेशन क्या, आपकी मोटिवेशन क्या और आपकी मोटिवेशन क्या होती है, मतलब जो बेसिक मोटिवेशन होती है कि हाँ यार भाई इसके साथ अपन दिमाग में ये लेके फाइट करेंगे इंडिया के। नहीं नेशनल लेवल पे अलग होती है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग होती है। बस ऐसा होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है कि हमें अपने ग्राउंड के लिए करवाना है सबको, देश को, फैमिली को, कि अपनी पहचान बनानी सबसे पहले, कि जब कल को हम कहीं खड़े हो या कहीं पे भी हमारा एक स्टैंड हो, तो कल को कोई ऐसा ना हो कि ऐसे बोले यार तुमने बॉक्सिंग के लिए क्या करा जिंदगी में, ऐसे ये सब चीजें ना हो, बस ऐसा हो कि कुछ करे जिंदगी में। वही है, एक चीज ऐसी है कि मतलब आपका अगर मेडल कहीं आता है आपकी गेम से, तो आपको आपको नहीं आपके पूरे गेम को पहचाना जाता है, उस गेम को पहचाना, मतलब उस मेडल से आपको पूरे एक सारे बॉक्सिंग प्लेयर्स को, जितनी हमारी एक मतलब बॉक्सिंग एक पूरी फैमिली तो है, जो भी लोग कहीं पे भी खेले वो सारी फैमिली हमारी, तो मतलब एक मेडल से आपको क्या सारे लोग जानने लग जाएंगे उस गेम को, गेम पर्टिकुलर गेम। कहीं ना कहीं ये भी है कि इंडिया में जितना क्रिकेट और फुटबॉल को तवज्जो दी जाती है ना, उतना बॉक्सिंग को देखता ही नहीं है। लेकिन नहीं अब बॉक्सिंग काफी ज्यादा लेवल बढ़ चुका है, बॉक्सिंग को ज्यादा देखते हैं, प्रोफेशनल को पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस, आउट ऑफ इंडिया मतलब फुटबॉल के बाद बॉक्सिंग ही ज्यादा, और जब आपने जैसे बोला कि इसने बोला कि जैसे हमारे गेम को पहचाना जाता है, हमारे सीनियर है, आइडल है, सबके ओलंपिक मेडल आया था, तो उसके बाद बॉक्सिंग का काफी नाम चला था, तो आप ऐसे लगा सकते हैं हम भी एक मैरीकॉम की दीदी है, और उनके बाद हमारे एक मोटिवेशन हमें मिला था, उनको उनका तो उन्होंने तो कर लिया अपना काम, लेकिन हमें मोटिवेशन मिला कि यार इन लोगों ने बॉक्सिंग को मतलब इतना आगे तक लेके गया, तो हमारे भी बनता है कि हम भी कुछ करें इसके लिए, क्या हमने हमने भी करना है, जब ये कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड जल्दी हम लोग आपको जो है उसमें ओलंपिक्स में भी मेडल लाते देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और 24 वाला होना है ना, पेरिस में। तो अब ये बताओ आप, इन्होंने तो बता दिया, आपने नहीं बताया आप किस पारी में कैसे हाँ इनका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमको पता लग गया, आपका क्या था फर्स्ट पारी? मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम जब, हाँ मेरे को ये याद है, मैं सेकंड मतलब जो डिस्ट्रिक्ट खेला था उसमें, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट थी वो तो हमारे मतलब क्लब में ही थी जहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी, तो वो तो मैं जीत गया था, लेकिन जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट में खेला था मैं वो दूसरे कोई और जगह में थी। तो उसमें जिस बॉक्सर के साथ हुई उसने मेरे दांत टूट गया मेरा, ये क्रैक आया छोटा सा आगे वाले दांत, हाँ आगे वाले दांत भी टूटा और मेरे ब्लीडिंग भी हो गई। अच्छा, तो किसी ने मेरे घर पे बता दिया मेरे, तो मतलब उस दिन से वो मतलब बॉक्स मतलब यूं हो गए कि खिलाफ हो गए मेरे घर वाले। अच्छा। पहले तो खिलाफ थे ही, फिर अब उनको पता लगा कि इसके इंजरी होगी, तो फिर उन्होंने तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद से मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया कि इसको बॉक्सिंग नहीं खिलानी करके, क्योंकि मेरे फादर भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ही रहे, लेकिन उनको पता था कि वो फोर्स में थे, तो
मतलब कितनी इंजरी होती है इसमें। उन्होंने टाइकोंडो और जूडो काफी रिस्की गेम और नहीं काफी गेम उन्होंने अलग अलग चेंज किया क्योंकि फोर्स में क्या है आपको बहुत सारे गेम खिलाते हैं तो उन्होंने सारे ट्राई किए और वो इंटरनेशनल रेफरी भी रहे हैं स्कीइंग अच्छा। में हाँ और उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग काफी चीजें मतलब उन्होंने ट्राई करी हैं और उन्होंने बाद में अपने जूनियर्स को सिखाया भी है तो उन्होंने देखा है कि एक तो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा अलग होती है नॉर्मल लोगों से आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ये क्वेश्चन है मेरा कि आपको क्या लगता है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप दोनों के ख्याल से कि एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं करता उसके मॉरल एथिक्स और वैल्यूज कैसे डिफरेंट होती है हमारे स्पोर्ट्स वालों से। फर्स्ट चीज तो वही जो मैंने आपको बोली डिसिप्लिन मतलब जो बंदा अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो वो लाइफ में उनका लाइफ का चैनल मतलब इक्वल नहीं होता है वो अप डाउन में चलते हैं। आप जो नॉर्मल पर्सन को देखोगे कि वो रात को लेट सोते हैं एक तो और मॉर्निंग लेट उठते हैं तो आधा चीज तो आपका यहीं से आधी चीज तो यहीं से मतलब एक बीमारी का कारण है उनका अंदर हेल्थ इश्यू आने लग जाते हैं। और एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखो आप मॉर्निंग जल्दी उठता हो और मतलब जो उनका डे का पूरा रूटीन होता है वो पूरा एक टाइम टेबल फिक्स रहता है आपका कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि मेरा अभी मन कर रहा है मैं खा लूंगा या अभी मन कर रहा है मैं सो जाऊंगा ऐसा नहीं। हाँ आपको आपके सारे मील सेट होंगे आपका सारा कुछ मतलब सेट होगा आपका जो नाइट का रूटीन है मतलब आपको कब सोना है कब उठना है सब चीजें। इवन मैंने एक और नई चीज देखी मतलब ये मेरे को पता थी पहले से कि वेट कैटेगरीज के हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ता है अपने तो मैंने अभी जब मैं आया यहाँ पे तो बाहर एक बंदा जो है ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसने बहुत ही मोटी जैकेट पहनी थी मतलब जो भी थी लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा ही ऐसी लग रही थी अंदर दम भी घुट जाए एक बंदे का तो मैंने इससे बोला मैंने कहा यार इतनी मोटी जैकेट में इतनी गर्मी में प्रैक्टिस बेहोश हो जाएगा तो इसने मेरे को कहा वो वेट काट रहा है तो बेसिकली कंपटीशन टाइम का वो स्ट्रगल होता है स्ट्रगल का वो जब सिलेक्शंस होते हैं नहीं सिलेक्शन होता नहीं ये कंपटीशन के लिए रेडी होता है कंपटीशन के लिए आपको वेट कैटेगरी के अंदर आना है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए उससे ऊपर नहीं जब नीचे ना ऊपर बड़े सारे ऊपर होता है अब डिस्कस करेंगे जैसे मान लो मैं ही हूं मैं 75 to 71 to 80 करता हूं अब मेरा वेट कैटेगरी ऐसे चलती है मान लो 83 चल रही है मैं डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं हां मैं डाइट के साथ 80 आ रहा तो ठीक है नहीं तो फिर अदर ऑप्शन मतलब वो लास्ट में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है करना पड़ता है हाँ। और ये भी एक तरीके से डिसिप्लिन ही है डिसिप्लिन ही है मतलब एक तरीके से मतलब बहुत डिफिकल्ट है वेट काटना बॉक्सिंग वही चीज तो मैं कह रहा हूँ जो जितने भी कॉम्बैट गेम है ना वो मतलब लगते तो आपको देख के बहुत अच्छे हैं मतलब ऐसा लगेगा यार मैं भी कर सकता हूँ लेकिन जब आप किसी अपने प्लेटफॉर्म में उतर रहे हो जैसे बॉक्सिंग रिंग है या कोई भी प्लेटफॉर्म है रेसलिंग है जूडो है वुशु है टाइकोंडो मतलब ये सब जो फाइटिंग गेम है उसमें आपको लगेगा तो ऐसा लेकिन आप जब चढ़ोगे तो आपको पता लगेगा हर एक सेकंड जो आपको सेकंड होते ना वो आपको पता चलेगा वो पता लगता है। हाँ बॉक्सिंग होता है ऐसा ही है 3 मिनट के राउंड में हमें ऐसा लगता है कि हम एक एक सेकंड ऐसा गुजरता है हमारा कि हमें लगता है कि यार अभी तो 10 सेकंड हो गए आधा मिनट हो गया होगा लेकिन एक्चुअल में वो 10 सेकंड नहीं होगा बहुत बार ऐसा होता ना कि आपके जो अपोनेंट है वो आपके इक्वल है मतलब आप टफ हो तो वो भी टफ है तो उस टाइम पे मतलब आपको टाइम मतलब ऐसा लगेगा कि कब घंटी बजेगी कब घंटी मतलब आप इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो लास्ट राउंड तक आते आते आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है ना उसमें तो दूसरे बंदा भी आपका पूरा एफर्ट लगा रहा है तो उसमें क्या आपका और जोर लगता है तो तब फील होता है कि यार ये टाइम क्यों नहीं जा रहा है वो मतलब 3 मिनट बहुत लंबा होता है उस टाइम पे। वैसे मैं एक तेरे को तू भी इस बात से थोड़ा सा वो करेगी जितने भी इंटेंस काम होते हैं फॉर एग्जांपल एक आर्मी वाले को देख लो और एक स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो जो इंटेंस गेम खेलता है जिसके अंदर कॉम्बैट और वो है भाई तू सामने बैठ के देख कितने शांत लग रहे हैं ड्रिंक में क्या करते हैं हमारी मिस्टी है जेन्युइनली मतलब ये जो
डिसिप्लिन के अंदर ये भी चीज आ गई कि रिंग के बाहर यू आर जस्ट नॉर्मल पर्सन कि भाई हाँ ठीक है हम अपन दोस्त हैं मिलकर सारी बात हुई और ऐसे ही होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन पर्सन की सबसे फर्स्ट जो मतलब थिंग है ये यही है कि आप मतलब अगर रिंग के ऊपर जो मतलब एक आपका बाउट चल रहा है वही चीज आप नीचे लेके आ रहे हो तो मतलब वो फिर आपकी वो बॉक्सिंग नहीं है वो आप फिर दुश्मनी कर रहे हो। माइंडसेट जो है वो रिंग में अलग रिंग में अलग होना चाहिए। बट पीपल काफी ज्यादा लोग फील करते हैं उसको लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप रिंग में चढ़ रहे हो तो रिंग तो एक स्पोर्ट्स है यार। एक बॉक्सिंग मतलब क्या है गेम है ना आप अपना एक कला दिखा रहे हो ऊपर आर्ट दिखा रहे हो अब उस चीज को आप नीचे अगर उसको कुछ अपना अलग तरीके से देखोगे तो वो गलत चीज है। मतलब बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं फील करते हैं उसको कि यार ये तो मेरे वेट का है मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ काफी या तो ये इससे मेरी बाउट हुई आज या इससे मेरी बाउट है आज तो मैं क्यों इससे बातचीत पे स्पारिंग हो रही है इससे ज्यादा अच्छी स्पारिंग इससे बहुत मारा इसने मारा इसने किया ये सब चीज चलती रहती है। और वही कि जो जो इसमें जो काम रहता है जो कंट्रोल करता है चीजों को सोचने से मतलब इग्नोर करता है बस भाईचारे में रहता है बाहर उसको शांत भी रहता है और बोलते हैं ना कि माइंड भी उसका जो है उस तरीके से चलता है रिकवरी अच्छी हर चीज अच्छी। अब अगर हम ये सब चीजें लेके रूम में भी जाएंगे वहां पे भी ऐसे बैठ के यही सोचते रहेंगे तो बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हो पाती है। ओके गाइस सो अब हम बॉक्सिंग रिंग के अंदर है। बड़ा मजा आ रहा है यार मेरे को तो यहाँ पे आके बड़ी सही सी पैडिंग है ये हमने भी बैठ के देख रहे हो ना खड़े होके जब मुक्के लगते तो तब अच्छे जगह छोटी बढ़ जाती है तब बंदा भागता रहता कि यार कहीं और मिल जाए। हाफ लाइफ जो हमने ये भी स्पेंड हां हाफ लाइफ मोर देन आउट तो ये जो न्यू कमर्स होते हैं ना ऐसे इनको लगता है कि भाई क्या नाम है रिंग के अंदर जाओ स्पारिंग कर लो ग्लव्स पहन लो जल्दी जल्दी नहीं मैंने तो कहीं नहीं मेरे को तो लड़ना है मैं तो चाहती हूं एक बार ही ना इसके मैं वेट बताऊं कैटेगरी ग्लव्स पहनना मतलब बहुत वो है ना एक अच्छा लगता है पहन के मतलब ट्राई करना हर कोई ट्राई करना चाहता है। मैंने यहाँ पे आके कई लोगों को देखा स्पारिंग करते हुए फिर मैंने कहा ओके सॉरी मन नहीं है साला मुक्का ही नहीं पता लगता कहाँ से कहाँ चला गया समझ ही नहीं आया कौन सी स्पीड है भाई तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या स्पीड ही लग रही है तो सोच पॉइंटर्स कैसे जनाब हिसाब किताब बहुत डिफरेंट है यहाँ रिस्की गेम। तो अब अपन बात करते हैं जरा थोड़ी सी इंजरीज से रिलेटेड। जैसे आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी फॉर एन एग्जांपल ट्रेनिंग कर रहे हो तो कभी माइंड में ये नहीं आता कि जैसे कोई इंजरी हो जाएगी क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही तब आती है जब इंसान को इंजरी हो जाती है एंड दे हैव टू लीव इट बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बिल्कुल तो कभी दिमाग में नेगेटिव थॉट या कुछ ऐसा नहीं आता कि भाई सबके आती है हमारे हर एक गेम के प्ले के अंदर आती है और काफ़ी हम जो इसको लेके पॉजिटिव जो रहते भी है कि सेफ रहने की कोशिश करते हैं स्पेशली हमारे बॉक्सिंग के अंदर मैं तो प्रैक्टिस ही मारने और खाने मार खाने की है तो हेड गियर होना चाहिए प्रॉपर सेफ्टी का पूरी बॉडी को पूरा सेफ करके ही चलते हैं हम लोग वो चीज़ें हमारा ध्यान रखते हैं कि इनको कोई ऐसी कोई हरकत ना हो जैसे कोई फाइट के दौरान कोई ऐसा पंच लगे या कुछ ऐसा हो। हमारा क्या होता है ग्लव्स का एक हल्का सा धागा भी होता है ना धागा भी अगर टच करके चले जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ब्लेड से कट मारा गया ऐसा हो जाता है तो आप इनकी आंखें देखेंगे गौर से मेरी आंखें देखेंगे गौर से तो आपको स्टिचेस दिखेंगे तो हम दोनों को कटीज लगे हुए हैं बहुत ज्यादा और ये सारे धागे के कट होते हैं जो नहीं नहीं धागे के नहीं है मतलब धागे मीन की आपस में आप टकराते हो ना जैसे अब हम दोनों क्लोज में हैं तो मूवमेंट होती है जब सर की तो सर हेड बट लगता है एक दूसरे का सर लग जाता है तो उससे कट लग जाता है जल्दी कट लगने के चांसेस होता है आंखों के नीचे या आईब्रोज में ये जल्दी कट लग सकता है। नहीं यार देखो आप किस किस जगह पे हो या किस कौन से लोगों के साथ में हो उस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके जो बैक सपोर्ट में है जैसे आपकी फैमिली हो गई आपके दोस्त हो गए वो आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आपको कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पीछे खींच सके तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है जो आपकी फैमिली या आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उस टाइम पे जब आप बिल्कुल डाउन जा रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होना बहुत बहुत वाइब जो हमारे आसपास रहे होनी चाहिए लोग भी और वाइब भी एक बोलते हैं कि एक अपने अंदर जो है तभी जो हम पॉजिटिव हो पाते हैं जब हमारे आसपास का माहौल उस तरह है। अगर
जैसे बोलते हैं कि बोला जाते हैं कि आसपास के लोग अगर ऐसे हो यार ये नहीं हो पाएगा यार ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो है सोच भी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब हमारे आसपास लोग ऐसे होंगे यस हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तुम कर सकते बेटर करेंगे पहले से और अच्छा करेंगे, तो हमारा जो माइंड सेट ही वैसे होता है। इंजरीज ऐसी भी कोई सीरियस बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाती है कि बिल्कुल डेथ बॉक्सिंग तो गेम ही ऐसी है ना, तो हर साल में 5-6 लोग पक्का हिस्ट्री चेक करोगे तो अच्छा काफी। तो वही हमारे मोहम्मद अली के साथ भी तो ये हुआ था, ऐसी ऐसी इंजरी जो होती है जो बहुत ऐसे भी तो सीन होते तो तेरे को नहीं पता माइक टायसन ने कान काट लिया था। हाँ। भी होते हाँ, काटा था, कान काट दिया था। हाँ। अरे तो कोई नहीं पता इसके पीछे भी तो बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, भैया डिस्क्वालीफाई कर दिया मैं नहीं कर रहा ये तो बड़ी खतरनाक है ऐसे वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वो तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर हुआ होगा ना, मैच में भी कर देते हैं भाई ऑर्डर आ रहे लेंगे कि उठा के पटक भी देते हैं, अलाउड नहीं होता वैसे, अलाउड नहीं होता ना, आपको डिसीजन सही लगा आपने थप्पड़ मार दिया, हां थप्पड़ का मार दिया और डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वाली तो आप हारे तो हो ही वैसे भी, उसके बाद बैन लगता है और क्या होगा, बैन लगता है ना जब हम लोग रिंग के ऊपर होते तो हमारा खून बहुत ज्यादा मतलब हम लोग बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं एग्रेसिव तो रहता ही है। अब जैसे बॉक्सिंग और एमएमए के भी रूल्स बहुत डिफरेंट है, एमएमए के अंदर तो हाथ पांव सब चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता रिंग के अंदर खड़े जब बॉक्सिंग कर रहे होते हो कि यार एक बार बस नहीं कोई ये नहीं बोलते ऐसा नहीं कर सकता ना, बॉक्सर तो बॉक्सर है उसने तो एक दो साल थोड़ी करी है ट्रेनिंग, उसने 15-20 साल जो बॉक्सिंग खेली है हाथों का उसको पता है कि जब रिंग में है तो उसने अपनी गेम की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। बल्कि आपको पता है मैंने ना एक टाइम पे मेरे एक तो मैं तो प्राइवेट एकेडमी में करती थी ना, तो मेरे कोच ने मेरे को ना किक बॉक्सिंग और मुए थाई के लिए भेज दिया। उन्होंने मेरे को 1-1.5 महीना किक्स की प्रैक्टिस करवाई सिर्फ सिर्फ मतलब हाथ भी नहीं चलवाते थे, उन सब ज्यादा वो पंचेस से ही नॉकआउट पंचेस से कर पाते हैं और वो खुद नॉकआउट किक से होते किक से होते हैं। बहुत रेयर प्लेयर्स होते होंगे जो किक वगैरह से नॉकआउट करते होंगे, नहीं किक से करते हैं जो जो जिन्होंने एमएमए प्लेयर्स एमएमए में जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मतलब सारी चीजें सीखी है उसमें बहुत सारी चीजें है ना आप की रेसलिंग वेसलिंग काफी चीजें आ जाती है मिक्स हो जाता है, तो वो सब चीजें आती होगी आप तब कर रहे हो तो वो अलग चीज है, अगर आप बॉक्सिंग से आपने पहले बॉक्सिंग करी है फिर आपने यूएफसी ज्वाइन किया तो वो अलग चीज होगी, डिफिकल्ट हो जाता है ना और चीजों को अडॉप्ट करना, बॉक्सिंग तो कर सकता है लेकिन और चीज कैसे करेगा रेसलिंग कैसे करेगा ये होल्ड कैसे करेगा वो बहुत चीजें, ये खुद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हम लोग जितना जो भी बॉक्सर्स होते हैं कि पूरी लाइफ जब तक भी सीखते हैं सिर्फ 6 पंच सीखते हैं इस पंच के साथ इसको कंबाइन कर दिया आपकी मर्जी आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। हाँ अच्छा उन 6 पंच कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते वो आपके ऊपर डिपेंड है उससे खेल रहा था ऐसे करके फिर ऐसे पुराना बॉक्सर नहीं है जो हमारा हाँ मैं भी प्रिंस नजीम हमें भी यही बताया जाता हाँ हम भी जब बॉक्सिंग करते हैं तो सामने जो बैग वो बैग नहीं है वो एक ओपोनेंट है हमारा आदमी है तो उसको वैसे ही खेलना जैसे हम एक किसी ह्यूमन को ट्रीट करते हैं उसको वैसे ही ट्रीट करना है तो वो वही चीज कर रहा है वो इन द रिंग भी वैसे ही है आउट रिंग भी वैसे वो भी एक तरीके का आर्ट ही हो गया ना बिल्कुल डांस मतलब आपका फुटवर्क ऐसा होना चाहिए आप जैसे जैसे एक डांस कर रहे हो मतलब रिंग में आप डांस कर समझ गया जैसा आपका कहने वाली बात है बॉक्सर्स आर द बेस्ट डांसर्स। हां मोहम्मद अली तो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका बाप रे बाप तूने और नहीं देखे फिर लाइट वेट पे चले जा
आप लोग शो बोटिंग करते हो? शो बोटिंग मुझे लोमा सिंह को करता है वो जो उसने भी शुरू में दो साल उसने यही किया है, पहले डांस ही किया है। तो जब आप रिंग में होते हो तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये प्रैक्टिकली चीजें सोचकर भगवान पे चीजें सौंप दो अपने ऊपर ट्रेनिंग भगवान के ऊपर, रिंग के बाहर तक होता है, रिंग के अंदर तो हमारे ऊपर होगा। जब डिसीजन आ रहा होगा तब उस टाइम याद कर भगवान आपको, इससे पहले ऊपर वाले ने हमें छोड़ रखा होता है कि अब तुम जो कर सकते हो। आपको आपको डिसीजन से पहले पता लग जाता होगा कि ऑब्वियसली नहीं, एक्चुअली आफ्टर राउंड जो हमें स्कोर बताया जाता है तो कभी कभार कैसा होता है कि स्कोर भी आफ्टर राउंड ऐसा रहता है कि उसका पता इन द लास्ट राउंड आफ्टर द लास्ट राउंड ही पता चलेगा कि कौन विनर है, उससे पहले पता चलेगा। स्कोर होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जैसे 3-2 का डिसीजन होता है हमेशा जो है लास्ट राउंड के बाद ही पता चलता है कि कौन विनर विनर है, 5-0 का पता होता है। क्योंकि काफी बार आपको लगता है आपने मारा पर वो उसको हिट नहीं हुआ, काफी बार उसको लग रहा है कि भाई क्या नाम है, आप दोनों से एक सिमिलर सवाल है कि जब एशियन गेम्स खेली आप दोनों ने तो क्या चैलेंजिंग सबसे ज्यादा था उस ड्यूरेशन के अंदर, मतलब क्या उस टाइम पे जब आप पहली बार रिंग के अंदर घुसे गेम खेलते टाइम? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी तो मेरे को प्रूव करना था खुद को, क्योंकि अगर मैं वो वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाता तो शायद आगे चांस नहीं मिलते मेरे को, मैं अचीव नहीं कर पाता कुछ भी, तो मेरे लिए वो तो मतलब ऐसा था कि जो है वो यहाँ निकाल के चले जाओ, बस पूरा गुस्सा पूरा स्टेमिना पूरा करके चले जाओ। तो मैंने पूरी एफर्ट मारा, मैं फाइनल लॉस कर गया था, सिल्वर आया था, तो उसके बाद ही मेरी जो है एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, जो आप बोल सकते हैं कि मेरे को जो मैं अचीव कर पाया हूँ, खेल पाया हूँ, आगे जितना भी 4-5 साल से क्वालिफाई ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो वर्ल्ड भी खेला हूँ, 2 बार वर्ल्ड खेल चुका हूँ, कॉमनवेल्थ खेल चुका हूँ, ओलंपिक खेल चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें तभी हो पाई क्योंकि मैंने जो है अपना जो एक मेन टूर्नामेंट था उसमें अपना शो करा। तो ये जो अगर वहाँ पे अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाता तो कहीं भी नहीं होता, कोई मेरे पे बिलीव नहीं करता ना, कोई किसी को भरोसा नहीं होता कि कुछ कर सकता है करके, तो ये बिलीव दिलाना आपसे तो पूछने की बात नहीं है, ऑब्वियसली सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई होगी। और नहीं, और ऐसा भी रहता ना कि आप मतलब पहले आपने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने से पहले आप मतलब इंडिया में खेल रहे हो तो वहाँ पे भी आपके बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हर वेट में इंडिया में बॉक्सिंग में काफी ज्यादा कंपटीशन है, मिडिल वेट तक। अच्छा। जो वेट इनका है 75 kg तक, 75 वेट मतलब ऑलमोस्ट तो सभी में है, लेकिन छोटे वेटों में ज्यादा कंपटीशन रहता है। क्या ये बात सच है कि जितनी जैसे हाइट छोटी होती है बॉक्सर की वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से खेल सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ लंबे वाला फ्लेक्सिबिलिटी से खेलता है, लंबे वाला फ्लेक्सिबिलिटी से खेलता है, जो शॉर्ट बॉक्सर होता है वो पावरफुल होता है, क्लोज में खेलता है, हीटिंग से माना जाता है उसको, पावरफुल माना जाता है, इट्स लाइक कि वो घुसेगा लॉन्ग बॉक्सर दूर-दूर टच, टाइसन से कहते हैं टाइसन और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली फ्लेक्सिबल वो लंबा है, लंबा और टाइसन जो है वो हीटर है, तो बस ये एग्जांपल, तो इससे बड़ा एग्जांपल तो क्या दे सकते हैं। तो इसका ना पीछे मैं से पूछ भी रहा था भैया से भी शायद बात हुई थी कि आप लोग का क्या नाम है दिमाग, वो भी पूछा था ये हमारा लड़का कहता क्या नाम है दिमाग चलता होगा आप लोग का रिंग में 2 मिनट में, अगर कुछ आप लोग कैसे नहीं होता कि अगर मैं कुछ सोचूंगा तो 2 मिनट में इतने में मुक्का पड़ जाएगा ऐसा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो 1 सेकंड में हमें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं 10 सेकंड हो गए, तो हमें पंच ऐसे स्लो मोशन में आते दिखते हैं, जब हम फुली फिट होते हैं ना तो ये रियलिटी है, ऐसा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस और ये सब चीज होते हैं कि सोचना मतलब 1 सेकंड से भी आप ऐसा लगा लो कि 2% हिस्सा जो है ना वो सोचने में लगता है,
उसके अलावा जो सेकंड जो बचा ना वो उसमें काउंटर करते हैं, बाकी 98% आप उसमें लगाते हो, बट 2% फिर भी अपना करना पड़ता है, तो एक सेकंड का वो कुछ पल ही, और रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग रखने पड़ते हैं, जस्ट क्लिक का आपको आपको हमेशा तीनों मिनट मतलब तीन तीन के तीन मिनट होते हैं तो उसमें आपको पूरा एक्टिव रहना है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका थोड़ा भी मूवमेंट कुछ गलत हुआ आपको वहीं मुक्का लगा वहीं आप नीचे नीचे गिर गए। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मैं मेरे साथ काफी बार हो चुका है, जैसे मैं फाइट कर रहा हूँ तो मैंने कुछ बोला और कुछ रिएक्ट किया तो मैं सोचता यार मैंने कुछ ज्यादा ही वो शो कर दिया, खा दिया कुछ ज्यादा, बुरा मान गया होगा उसको, पता चला होगा यार इतनी देर से बोल रहा है। जब मैंने वीडियो में वो चीज देखी थी ना, वो एक सेकंड की भी नहीं थी, एक सेकंड दो सेकंड की, मैंने इतना क्विक करा कि मेरे को ऐसा लगा मैंने बहुत टाइम लगाया, लेकिन वो बहुत क्विक था। वो बेसिकली जब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नोटिस में आई होगी, बट वो एक्चुअली नहीं आती है। बिल्कुल, जैसे हमने रेफरी को कुछ बोल दिया तो ऐसे ही सारा करके बोल दिया, तो जब वीडियो में देखते हैं ना, तो जैसे हमने जो मेरा तरीका है, मैंने ऐसे ऐसे किया, रेफरी व्हाट इज दिस, ऐसे मान मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब हम वीडियो देख रहे होते हैं ना तो वो ऐसे होता है इतना तो होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। बॉडी के साथ बन जाता है, आपके बॉडी के साथ ही रिफ्लेक्शन बन जाएंगे, आप कुछ भी पंच मार रहे हो उसके साथ में आप काउंटर मारने के लिए रेडी रहोगे, आपकी बॉडी खुद ही मूवमेंट कर लेगी, प्रैक्टिस वही करी है ना, आप नहीं भी चाहोगे तो मूवमेंट खुद ही हो जाएगी, खुद ही होती है, खुद ही होती है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग तभी बोलते हैं कि ट्रेनिंग हार्ड करोगे तो वो उतने ही अच्छा आपका रिंग में ज्यादा बेटर रहेगी, उतना ज्यादा बेसिक उतना बेटर आप रिंग में परफॉर्म करोगे, ठीक रहे। अच्छा एक बहुत बड़ा मिथ है, तो ये बात करनी है इस बारे में, मैंने इसको पहले बार ही बताया था, मैं बॉक्सिंग करती थी, इसको पहले बार तूने भी अपनी नाक में सेट भी नहीं करवाई है? हाँ यार नहीं नहीं ये जानना है मेरे को, मतलब ये हाँ मतलब सब अपनी नाक देखने लग गए, वो उनकी देखने लग गए, उनकी देखने लग गए। नहीं एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ इसको, लेकिन क्योंकि मेरी हो रखा है मैं सब बताता हूँ आपको, इसका नहीं हुआ, इसको नहीं। आपके क्या हुआ है? मेरा हल्का छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, बोन अभी भी क्या होता है ना बॉक्सर्स की, कभी बोन की हड्डी नहीं निकलवाते हैं जब तक मेजर इशू ना आए। अच्छा, तो मेरे क्या हुआ था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, स्पायरिंग थी, फाइट थी, तो मेरा एक फ्रेंड था वो स्पायरिंग कर रहा था मेरे साथ, यहाँ हरियाणा की बात है, तो उसने हेडबट कर दी थी नाक पे, सिर लग गया उसका, उसका यहाँ पे ना इतना फोड़ा बन गया उसके यहाँ पे, उसके उसके वहाँ बन गया, उसने इतना खींच के मारा था कि उसकी सूजन बिल्कुल ऐसे आप उसको गोलाई को देख सकते थे। मैं उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ मेरे नाक को, क्या हुआ, सब ऑल गुड था, पर मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, भाई यार तू क्या है यार, तू मेरी नाक दम ही नहीं है तेरा, मेरी नाक लगी तेरे पे और देख क्या सूझ गया तू, बोलता यार क्या तू यार हिमाचल का ऐसा जंगली आदमी है, देखो तो कोई असर ही नहीं हुआ करके, इतनी खींच के तेरा सिर बचा करके। तो ऐसा हुआ कि 4-5 महीने बीत गए, उसके बाद मैंने बोला यार ये नाक का चुभरा है कुछ अंदर, क्या चुभरा है करके, हड्डी टेढ़ी हो गई थी, वो एक साइड से मेरी जो है मैं सांस नहीं ले पाता था, मतलब वो हड्डी इधर चुभती जो ये मेन हड्डी होती है एक सेंटर में, वो टेढ़ी हो गई, साइड चेंज हो गई थी, साइड चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो एक साइड को ब्लॉक कर देती, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था एक साइड से, तो मैं वैसे ही 1 साल काटी है। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद कोई ऐसे ही अंदर कोई बेबी कोई प्रॉब्लम ऐसे ही जख्म जख्म हो रखा होगा, वो उसकी वजह से हो जाएगा ठीक हो जाएगा। फिर इन द एंड मैंने वो डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि यार तेरी हड्डी टेढ़ी है भाई, तेरे को कराना पड़ेगा। तो आपने वो फिर अपनी पूरी रिमूव कराई? पूरी नहीं, वो शेप उन्होंने उसको डायरेक्शन जो है स्ट्रेट करने स्ट्रेट करा उन्होंने, और थोड़ी सी जैसे आपकी नोज जो है वो पैकिंग ही बस है। वो किसकी वजह से? पैकिंग पैकिंग। अच्छा, आफ्टर आफ्टर ये बहुत होता है सेंसिटिव एरिया हो सकता है उसको, क्योंकि माइंड के साथ इसका कनेक्शन रहता है। तो जानबूझ के इधर कराते हैं ट्रेनिंग? नहीं, जैसे नाक पे खाने की एक आदत हो जाती है तो नहीं वो सॉफ्ट हो जाता है मेरा, जैसे आप देख रहे हो ना सॉफ्ट हो जाती है। जब जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था मेरी तो बोलते हैं हड्डी नहीं है करके,
तो वो वैसे ही हो जाती है, कंडीशनिंग इसी को कहते हैं ना अपने, ये बोलती है और ट्रेनिंग के अंदर ऐसे से थोड़ा 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 मारते रहते हैं ताकि शुरुआत में ऐसे मारना पड़ता है, थोड़ा बहुत करते हैं वो जब वार्म अप करने के लिए खुद को थोड़ा बहुत मार के। मैंने बताया ना आपको, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा दुश्मन था उस टाइम, उसने बहुत दिए मेरे को, तो मेरा उस टाइम उसने नरम कराया उसको, अब से नरम हो रहा है, बट आज वो ग्रेटफुल है उस चीज के लिए, कह रहे थे तूने करा दी तो फिर उससे। आप लोगों की ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, जिस चीज सब रनिंग रनिंग एक्चुअली मैं हिमाचल का हूँ, आप दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और मैं जब स्टार्टिंग में कैमरा तो बहुत दौड़ा हूँ, दौड़ने में तो पहले से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन इन द एंड अब नहीं, अब मेरा थोड़ा मेरे को रनिंग पनिशमेंट मिलती थी, मेरे तो हार जुड़ जाता है। नहीं फर्क भी तो है ना, जिस एटमॉस्फेयर पे ये रनिंग करते हैं और जिस एटमॉस्फेयर पे हम यहाँ रनिंग करते हैं, बहुत फर्क है। नहीं मतलब रनिंग क्या है, इसका रोज का अलग अलग होता है ना आपका, अब ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू दौड़ना है, किसी दिन आपका क्या बोलते हैं इंटरवल रनिंग होगी, किसी दिन आपकी स्पीड ट्रेनिंग है, किसी दिन आपकी स्प्रिंट्स होगी, किसी दिन आपका स्पीड एंड्योरेंस है, किसी दिन आपका एंड्योरेंस है, तो सब सब मतलब एक आपका शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग चेंज होता रहता है। स्प्रिंट तो कर लेते होगे, वो नहीं स्प्रिंट में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंटरवल इंटरवल रनिंग कर तो सब लेते हैं, जो इंटरवल रनिंग होती है ना वो टफ होती है। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है, आप कितने बजे उठते हो सुबह? टाइमिंग है फिर रोज का, मतलब डे वाइज अलग अलग दो डिफरेंट रहती है ना। अच्छा, कभी जो है 6:30 होगी, 6 होगी इन द मॉर्निंग, और इवनिंग में 4:30, ये कभी 10 के राउंड होगी मॉर्निंग में, ये चेंज होता है जब जैसे वेट ट्रेनिंग के दिन है। और कितने घंटे? 2 से 2.5-3 घंटे, 2 से 2.5-3 घंटे, सुबह 2.5-3 घंटे, शाम में 2.5-3 घंटे, शाम को ज्यादा हो जाता है, शाम को पता नहीं लगता है वो क्या भी ज्यादा दिन घंटे। ये मेरे को एक दिन बता रही थी कि मतलब मे भी ऐसा हो सकता है मिथ हो, बट ऐसा होता है कि जैसे स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स जो है वो परफॉर्म करती है, नेशनल लेवल पे, सॉरी मेरे को पता नहीं है यार, नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स परफॉर्म करती है, तो डिफरेंट स्टेट के हिसाब से जो भी डिफरेंट स्टेट के बंदे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट होती है उस हिसाब से, ऐसा होता है क्या? बोल सकते हैं आप, जैसे हरियाणा पंजाब सबका एक सब चीज एक होता है कि सब चीज है जिसमें हरियाणा के भी है पंजाब के भी आर्मी के प्लेयर वो मिक्स हो गए, तो एक माइंड सेट होता है। जैसे मैं हिमाचल का था, मैं आपको अपना बताता हूँ, जब हम नेशनल खेलने आते थे तुम्हारे को हमेशा यही डर रहता था, जो मेरे साथ के उनको डर रहता था कि यार कहीं हरियाणा वाले आर्मी वाले का नहीं, एक्चुअली दे हैड एक्सपीरियंस ना, प्रैक्टिस लेवल ही उस टाइप का था, हम लोगों का था, हम जिस एरिया से आते थे तो हमारे पास ना फैसिलिटीज थी ना एक्सपीरियंस था, कोई हमें सिखाने वाला भी इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमें तो सिंपल सा था कि 1-2 मारना है, 4 ले जाना है, आंख बंद करके घुमा देने हैं, ये करना है वो करना है, उनका प्रैक्टिस सिस्टम वैसा होता है, बोलते हैं ना जितना आप स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा ना। हम लोग तो सिर्फ रनिंग और वही कर सकते थे, बैक मार सकते थे, किट बैक पंचिंग बैक कर सकते थे, एक्सपीरियंस तो हमें कहाँ मिलेगा, एक्सपीरियंस तो इन्हीं के पास था ना, तो ये लोग बॉक्सिंग में हमारे से आगे रहे हैं क्योंकि हम ऐसी स्टेट से बिलोंग करते थे वहाँ पे फैसिलिटीज थी, इनके पास सब कुछ था, तो मैं जब हम नेशनल खेलने जाते तो हमारे माइंड में भी ये रहता कि पंजाब के लड़के अच्छे हैं, हरियाणा के लड़के अच्छे हैं, आर्मी का लड़का आएगा वो अच्छा है, रेलवे के आएंगे हाँ 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 अच्छे रहते हैं, सबके साथ होता है सब। कविन आप तो नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, उत्तराखंड पड़ोसी है तो वैसे हंस रहा हूँ मैं तो। अच्छा मेरे तो दिमाग में था ये, मतलब मेरे को नॉर्थ ईस्ट वाले वैसे खतरनाक होते मामले आदमी मतलब खतरनाक आदमी मतलब प्लेयर बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं, किसी भी प्लेयर को तुम कम मत समझो। हाँ बस ऐसा है, मतलब डिफरेंट मतलब ऐसा मतलब ये एक मिथ है एक तरीके का, जिसकी ट्रेनिंग बढ़िया है मतलब बेसिकली वो बढ़िया खेलेगा, वो तो रिंग में दिखाई देगा अपना खेल, वो दिखाई देगा। लेकिन हमने भी देखा है हरियाणा के अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जो है अदर स्टेट वाले ने मारा, पर साइड मारा, ऐसा हुआ है, ये पहली बार हुआ है। आप सिर्फ यहाँ अगर नेशनल लेवल की बात करोगे तो यहाँ पे तो ऐसा बहुत बार हुआ है, इवन नेशनल में भी हमने देखा हुआ है, कोई नया प्लेयर आगे वो एक्सपीरियंस प्लेयर को वन साइड मार के चल जाता है, ऐसा हो जाओगे। अब मतलब ऐसा है ना, आप सोचोगे मतलब
जिनकी उम्र हो जाती है, जो मतलब छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, नहीं पाते, दिल से तो दूर नहीं हो पाते। हाँ, अब एक हफ्ता एक महीना नहीं आओगे, उसके बोलोगे अगले दिन फिर आप आ जाओ ग्राउंड में, दिखोगे दिखोगे। मैंने ऐसे मैक्सिमम लोग ये जो बोला, मैंने मैक्सिमम प्लेयर्स को देखा ऐसा जो अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने बोला यार बॉक्सिंग छोड़ के तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो जैसे उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ी ना, उसके एक मंथ दो मंथ के बाद ही वो थे वो ग्राउंड में दिख रहे हैं। मतलब वो कंपटीशन ना खेले लेकिन वो ट्रेनिंग करते हैं, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, खुद को फिट करने के लिए, या मतलब अपना दिमाग वहाँ, या तो किसी आपको कोई बॉक्सर मिल जाएगा, जैसे कहीं पे रास्ते में बॉक्सर मिल गया आपको दिख रहा है खेलते हुए, अरे यार तू ऐसे पंच गलत मार रहा है, ये कर वो कर, मतलब आपको ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही बताने का मन करेगा, आपका मन करेगा मैं इसकी हेल्प करूँ करके कि यार ये चीज गलत कर रहा है। बट ऐसा भी होता है जैसे सीनियर बॉक्सर्स होते हैं और जूनियर बॉक्सर्स होते हैं, तो जैसे किसी नए ने ज्वाइन किया तो बुली वगैरह भी होता है, कुछ ऐसा होता है, मतलब ये तो खैर फेडरेशन के रूल्स तो बहुत ज्यादा वो होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बट ऐसा होता है इंटरव्यू टाइम जा चुका है पहले था मतलब हमारे लिए तो हमारे जूनियर भी हमारे साथ ही है ऑलमोस्ट, और भाइयों जैसे भाइयों की तरीके से सीनियर भी हमारे साथ पहले होता था शायद, मैंने सुना है। अच्छा पहले जूनियर्स के साथ मेरे को तो लगता है अभी भी कहीं ना कहीं होता है, अब अपने कुछ जगहों पे होता होगा लेकिन कुछ जगह पे वैसे हो गया है, क्योंकि जो जूनियर होते हैं वो मतलब क्योंकि हर जगह का डिफरेंट एक माहौल होता है, अलग एटमॉस्फेयर देते हैं मोस्टली, सब अगर लोग ऐसा समझते हैं कि किसी को कोई आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो चीज अगर क्या बोलते हैं उसे सीनियर मतलब सीनियरिटी दिखाना वो गलत चीज है, वो तो रिस्पेक्ट दे रहा है, एक बच्चा मतलब किसी सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो अच्छी बात है। तब तो मेरे को ऐसा लगता है जो सीनियर उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं ये अब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एरोगेंस है, वो बात ये अब उस पे आ गई, ओवर कॉन्फिडेंस पे आ गई, बात रह गई कि अगर रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आपने प्यार से बात किया तो आपको रिटर्न में प्यार से बात मिलेगी, नहीं तो गाली तो आजकल कोई बात नहीं है। सही बात है, पीठ पीछे गाली दे रहा होता है। एक बड़ा आप लोगों ने जैसे बोला कि कोई छोड़ नहीं पाता दिल से निकलती ऐसे स्पोर्ट्स, मतलब आप छोड़ सकते हो स्पोर्ट्स आपको नहीं छोड़ता कभी, तो क्या नाम है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आपके हिसाब से बॉक्सिंग का आप क्या व्यू देखते हो, आप उसकी ब्यूटी आपके लिए कैसी है, कैसे एक्सप्रेस करो? मूवमेंट, एक्सप्रेशन, एक हर एक चीज, फुटवर्क, पंचिंग, काउंटर, हर एक चीज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और मतलब कभी ना खत्म होने वाली चीज है, जो सीखना आप सुखी में सीख गया ना, देख लो है बॉक्सिंग का एंड नहीं है वो, आपको जब आप लगेगा ना कि यार मैं सीख गया तभी तो अगले पल कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा पंच पड़ेगा कि आप ठीक क्या हो गया क्या बोलते हैं, सही बोला इन्होंने, मतलब ये तो आर्ट है ना आपका एक, मतलब आपके अंदर जितना वो चीज भरा, अब जैसे आप पेंटिंग कर लो, पेंटिंग हर कोई अलग अलग चीजों से करता है, कोई पेन से करता है, कोई पेंसिल से करता है, कोई ब्रश से करता है, कोई हाथ से करता है, सबकी पेंटिंग अलग अलग है ना, लेकिन आपको उसके अंदर का वो दिखेगा, आर्ट दिखेगा कैसा है, तो उसी तरीके से भी बॉक्सिंग भी है, बॉक्सिंग सब अलग अलग तरीके से करते हैं लेकिन रिंग में मतलब उसको देखने का नजरिया होना चाहिए कैसा पसंद आ रहा है, इसके लिए ये तो भैया इसका है। इसका हम एक शॉट निकालेंगे ये बनाते बनाते बना है सोच के बना है, बन गया दिमाग चलता है नहीं बट पता नहीं आजकल कविंदर भाई का बहुत तेज, बताओ कैसी बात है, नहीं सच में स्पोर्ट्स वालों का इतना दिमाग चलता है नहीं चलता नहीं चलता भाई, ये एक सोचने वाली बात है, दिस इज आल्सो अ मिथ, दिस इज आल्सो अ मिथ, देखो एक एक अगर स्पोर्ट्स पर्सन, हां लिखते हो या फिर शायरी वारी कुछ नहीं लिखते, लिखते लिखते झूठ बोल रहे लिखते है ना, लिखते गालिब हर किसी के अंदर, देखो देखो सुनो, स्पोर्ट्स पर्सन ना कभी भी कहीं पे मार नहीं खा सकता, अगर वो ट्रूली एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना जिसने वो असल तो में यार मेरा पढ़ाई करने मन नहीं करता था वो बात अलग है, पर हम लोग अगर पढ़ने पे भी आ जाए तो भाई हम पढ़ाई में असल की जो मेहनत है ना जो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत करता है होती नहीं, वो तो सबका दिमाग अलग अलग जगह लगता है, मैं तो बोल रहा हूं मैं तो एक एक महीने 15 दिन पढ़ के कितने अच्छे मार्क्स लाता हूं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं पढ़ाई में, मैं तो था ही नहीं, मतलब मैं खिलाड़ी की बात क्या कर रहा हूं, लोग ना समझते हैं कि खिलाड़ी क्या है बहुत डल होता है हर चीज,
लेकिन खिलाड़ी का दिमाग बहुत तेज चलता है, पर वो तेजी दिखाना नहीं चाहता, वो शो नहीं करता है। हाँ। यार वो डिपेंड करता है बेसिकली आप उसने कहां पे दिखा जगह पोटेंशियल अपना दिखा रहे हो राइट, क्योंकि पोटेंशियल तो आप उससे कोई भी काम करवा लो या कुछ भी चीज करवा लो आपको करके देगा। आर्टिस्ट को दिमाग लगाना होगा, वो अपनी आर्ट में लगाएगा। बॉक्सर को लगाना हो बॉक्सिंग में लगाएगा, एमएमए वाला एमएमए में लगाएगा। तो वो डिपेंड है यार, एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। हर किसी को लगता है कि यार बुक्स नहीं पढ़ रहे तुम तो समझदार नहीं हो, अब वो अलग इन लोगों की समझदारी कहीं और से आती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर आल्सो, कि वो बंदे का नेचर क्या है। वो हो सकता है वो नहीं चाहता हो कि अपना पोटेंशियल वो बाकी चीजों में भी दिखाए, वो उसी में दिखाना चाहता है। बट ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है किसी के सामने दिखाना कि हाँ ठीक है हमको इतनी कोई समझ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो यार ये वाला क्वेश्चन तो करा क्या, अरे यार ये क्या एक दो तीन चार ये चारों नहीं। मैं तो बोल के जाता था, मैं तो नहीं, मैं तो बोल के जाता था कि हाँ भाई बहुत पढ़ के आया हूँ, फिर पेपर दे के घर पे जाता था, कहता हाँ भैया बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, ये होएगा फिर फेल। तो ऑल इन वन स्पोर्ट्स वालों का दिमाग होता है, ठीक है भाई गलती हो गई, दिमाग होता है, यूज भी करते हैं हम लोग, बैटरी यूज करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो आप लोग भी कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, उससे फास्ट कर सकते हो, पर जो आप लोग कर सकते हो वो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। Right. मेरे को ऐसा लगता है वो जो रिफ्लेक्सेस की एक ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत ट्रेन कर देती है मे बी एक बॉक्सर को भी फास्ट सोचने में से भी एक हमारे से दूसरों से एक नॉर्मल ह्यूमन से बोलते हैं। आप कभी भी देखो कोई आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो हमारे रिफ्लेक्शन जो हो गए भी हम एक दूसरे बचेंगे या टक करोगे या कुछ मूवमेंट कुछ भी करेंगे। मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी आ रही है हमारे एकदम से, अगर हमें ऐसी भी दिक्कत हो तो मूवमेंट रोड पे शुरू हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। नॉर्मल लोग होंगे वो नहीं, नॉर्मल बंदा 10 सेकंड खड़ा रहेगा कहेगा अच्छा अब गाड़ी आएगी अब मेरे को ठोकेंगे और बाय। मेरे साथ ये होने वाला था, हम लोग कहीं जा रहे थे और सामने से गाड़ी आ रही है और बिल्कुल यहाँ पास बस टच होने वाली थी और मैं एकदम से मैंने ना जो हमारा वो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लगा था बंदा रोक लेगा। स्पोर्ट्समैन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन डिप्रेशन में बहुत कम ही जाता है। एक और बात यार, फैमिली से जैसे आप लोग बहुत क्या कहना चाह रहे हो कुछ नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि फैमिली से ऑब्वियसली जब कैंप्स वगैरह होते हैं या जब कुछ चीज़ होती है फैमिली से दूर रहना पड़ता है उस ड्यूरेशन में, तो अभी तो नहीं बोलूँगा बट स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, जब थोड़ा सा फैमिली से दूर रहना स्टार्ट हुआ होगा, नेशनल्स के लिए जाते हो कहीं जाते हो, तो ऐसा होता है ना कि याद आती है फैमिली की, और किस तरीके से मतलब क्योंकि अब जैसे आपकी एज है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है जब आप बड़े हो जाते हो, सारी चीजें हो जाती है, नहीं जा रहे हो, दिवाली होली भारी होती है हमारी। हाँ जैसे नहीं आ जाए बिल्कुल आर्मी की तरह एक तरीके से एक लाइफ हो गई, तो बेसिकली तो कैसा लगता है आप लोगों को मतलब धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है सबको, प्रॉब्लम रहती है, फिर हम लोग मतलब ना अपनी खुशियां उसी में ढूंढने लग जाते हैं। अब जैसे हमारे पार्टनर बन जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, तो फिर वो माहौल वैसा हो जाता है, फैमिली फैमिली जैसे माहौल, बैठते हो साथ में अपन रात को गप्पे जप्पे पूरा चिल मारते हो सारा, वही मतलब हम लोग तो वही है, वो वाली बात बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं जगह से वो नहीं होता क्या, मजे नहीं आते लोगों से मजे आते, तो वही वाली बात है। आप बड़ी बात मतलब हम चार जने बैठे हैं फिर आपको क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है बाहर, तो आप अपना ही मस्ती कर रहे हो, तो वही चीज आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए। आपके फादर ने कभी आपसे कोई ऐसी मोटिवेशन वाली बात बोली है कि किसी मैच में जाने जैसे एशियन कप में जाने से पहले उनसे बात हुई हो और उन्होंने कुछ ऐसा तो बोला हो कि जो आपको लगा हो कि हाँ मतलब मुझे हमेशा ही मोटिवेट ही किया उन्होंने। अच्छा उन्होंने क्या बस शुरू में मतलब जब स्टार्ट की थी बॉक्सिंग में तब उन्होंने मतलब मुझे कहा था कि मत खेल गए क्योंकि वही बॉक्सिंग थोड़ा इम्पैक्ट और क्या बोलते हैं चोट लगने का ज़्यादा गेम है, तो लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि मतलब कर रहा है कुछ अच्छा फिर उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। बस उन्होंने कहा कि भाई हार मत मान, कोई भी सिचुएशन हो कैसे भी चीज़ हो आप किसी भी कितने भी टॉप लेवल से आप नीचे आए हो या कहीं भी हो मतलब अप डाउन तो चलता रहता गेम में, तो आप कोई भी सिचुएशन में हो कभी हार नहीं मान, वो मतलब एंड तक भी उन्होंने मेरे को यही बोला। अभी तो
लास्ट टू लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब उन्होंने लास्ट तक भी उन्होंने मेरे को हमेशा यही समझाया कि भाई तू लाइफ में कभी हार नहीं मानना, तू अब इस ऐसी जगह चला गया है कि अगर तूने हार मान लिया तो तू बाहर हो जाएगा। ये एक तरीके से रेस है, लाइफ की एक रेस है। आप अगर उसमें किसी भी सिचुएशन में हार मान जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको पीछे करने वाले हैं, तो आपको हर जगह रेडी रहना है, हमेशा रेडी रहना है कि भाई कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो मेरे को आगे बढ़ना है, ये बोला है हमेशा। सेम क्वेश्चन गोस टू यू, मैं तो बॉक्सिंग में हूं। आपके डैड तो मेरे ख्याल से डेथ हो गई मेरे फादर की भी, अच्छा ओलंपिक क्वालीफाई से पहले हुई थी। नहीं नहीं, बट आपके फादर ने भी गेम स्पोर्ट्स के लिए, तो फादर का मैं तो मानता हूं कि मैं आज तक कुछ अचीव कर पाया हूं उनकी वजह से कर पाया हूं, उनकी गालियों से, उनकी बोलते हैं कि डांट से, उनके बिहेवियर से ही कर पाया हूँ। फादर लोग अप्रिशिएट नहीं करते इतना। लास्ट टाइम मैं समझता हूँ कि मेरे फादर को मैंने पूछा था कि एम आई डिड इनफ, तो उन्होंने बोला था कि बेटे जो तूने अचीव करा है वो मेरे लिए काफ़ी हो चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि तू इससे ज़्यादा अचीव करे। और हमेशा से ही रहा कि जब भी कोई चीज़ करो तो ऐसा ना करो कि यार बस कर लिया, करो तो 100% अपने पूरी जी जान से करो। तो मैं जब एशिया मेडल लेके आया तो मेरे फादर ने बोला था कि जितनी मेरी उम्मीद थी उससे ज़्यादा तूने कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक और ओलंपिक कर ले जाना है। मैं उस टाइम ऐसा था कि मैं अचीव करके आया था, तो मेरे को लगा यार क्यों इतना, मेरे लिए भी ओलंपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, किसी के लिए भी है ओलंपिक तक जाना। तो मैंने बोला कि क्या बातें कर रहे हो, क्या जितनी अपनी अपनी एक डायलॉग मारा मैंने कि जितनी अपनी चद्दर है उतना ही पॉप है, उन्हें कहा चद्दर बड़ी कर लो ज्यादा। फिर उन्होंने बोला नहीं तेरा लेवल, मैं अब मेरे को अभी भी बहुत याद है, उन्होंने बोला कि नहीं तेरा लेवल उस वहां तक का है। मैंने क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, आपको बॉक्सिंग के बारे में क्या पता। नहीं उन्होंने नहीं तेरा लेवल उस उतना है कि तू वहां तक बड़े आराम से जा सकता है और मेडल भी ला सकता है, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो फिर मैंने वो सब बातें ऐसे मजाक में ले ली और मैंने इवन उनको गुस्से में ऐसा बोला कि यार इतने बड़े ख्वाब मत देखो जो सच ना हो सके, मतलब एक टाइप से इसको फिल्मी डायलॉग बोल सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होता है। तो क्वालिफाई कर गया मैं लेकिन देख के नहीं गए, तो वो उस चीज़ का मेरे को अभी वो है मेरे। अच्छा उन्हीं के ख्वाब थे हम नहीं, बट अभी भी वो आपको देख रहे हैं, आप ऐसा मत सोचो। और मैं भगवान गवाह है और हाँ वो है वहाँ पे, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ आप दोनों ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आओगे और देश का नाम होएगा देखना। फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है खिलाड़ी को ना, खिलाड़ियों को 100% फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप मतलब एक टाइम तक ही कर सकते हो, फिर आप आपको खुद से एक मोटिवेशन नहीं होती मेरे को ना, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि फैमिली का सपोर्ट भी होना जरूरी है और बीच बीच में फैमिली का वो जो नेगेटिव होता है वो होना भी जरूरी है। अच्छा अगर आप हमेशा फैमिली आपको पॉजिटिव रहेगी तो आपको ऐसा रहेगा यार ठीक है मैं ठीक हूँ मैं हर चीज़ ठीक कर रहा हूँ नहीं, अगर आप चार चीज़ ठीक कर रहे हो तो आप अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया ना कि वो आपको बता रहे कि बेटा ये तू गलत कर रहा है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नहीं ऐसा नहीं होता यार, जब आपको वो थोड़ा सा नेगेटिव भी बोलेंगे ना तो आपके अंदर से एक होता है ना कि एक वाइब वैसी भी आएगी, अब करके दिखा एक आग आएगी कि हाँ ठीक है यार ये। तो मैं अपना पर्सनल वो चीज़ बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है। बिल्कुल एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 6 से 7 साल ऐसा ऐसे गए कि विदाउट मेडल गए, घर पे था, ट्रेनिंग कर रहा था हरियाणा में, ये सब चीज़ें कर रहा था, तो मेरा रिजल्ट 0 था, प्रैक्टिस पूरी थी, 100% एफर्ट कर सकता था उतना कर रहा था। तो फादर ने तब तक सपोर्ट करा, फिर उसके बाद एक टाइम उन्होंने ऐसा भी करा कि ये पॉजिटिव बोलने पे तो नहीं चल रहा, इसको थोड़ा नेगेटिव भी करते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने नेगेटिव करने की कोशिश की, फिर ज़्यादा फायदा मिला। तो ये कभी कभी नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म होता है वो कभी कभी मेरे को लगता है कि आपको फायदा भी कर देता है, नेगेटिविटी भी कभी कभी आपको पुश कर देती है। यार जैसे आपका एक कॉम्पिटिटर है वो आ गया, वो फॉर एग्जांपल कई लोग जेलस होते डाउन हो जाते हैं और वही देख के भी अच्छा बेटा भी तेरे को तो बताता हूं ये चीज है। नहीं देखो फैमिली आपको जैसे इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया हो जी, कि फैमिली ने इनको नेगेटिव बोला, इन्होंने क्या कहा कि मैं करके दिखाता हूं, वही चीज अगर कोई बंदा ऐसा सोच रहे उसको नेगेटिव ले ले कि यार मेरे घर वाले तो मुझे उल्टा बोल रहे हैं तो वो क्या डाउन हो जाएगा, वो माइंडसेट पे होता है। हाँ, उस बंदे की अगर तुम्हारा मेंटली तुम स्ट्रांग नहीं हो उस टाइम पे
क्योंकि जब आप डाउनफॉल वैसी हो रहा है और प्लस आपके घर वाले भी आपको और ताना मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस टाइम अगर आप अपनी तरफ से स्ट्रांग नहीं हो ना अपने अंदर से, तो आप फिर डाउन हो। इंसानी दिमाग है, ओवरथिंक करता है, उसको वहीं पे कंट्रोल करना तो है। वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। दो चीजें हो सकती है, आप खत्म हो सकते हो या आप बहुत ही ऊपर जाके जाऊंगा। सबको सबको हमेशा ये होना चाहिए कि मैं दिखाऊंगा, मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरे आसपास का माहौल भी थोड़ा उस टाइम ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि ये तो खतरनाक है, ये नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा है। मेरी फैमिली में ही ऐसे कई लोग थे जो हमेशा नेगेटिव, मुंह पे नहीं बोलते थे नेगेटिव, पीठ पीछे घूम फिर के बातें आती थी। जैसे मैं चल रहा हूँ मान लो चुपके से सुनाई देती थी, कुछ भी ऐसे थे जो अच्छे लेवल पे, आप गलती से सुन ली या फिर मतलब वही वही सब। और दो चीज देखो, आपको अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है ना, मतलब फैमिली मतलब एक तरीके के बाद एक टाइम के बाद आपको मतलब नेगेटिव बोलने लग गई, तो लेकिन आपके दोस्त जो होंगे ना वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। दोस्तों का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज इतने ज्यादा मतलब भगवान ने दोस्त ऐसी चीज बनाई है ना कि आप मतलब उसको फैमिली के जितना ही मानते हो एक हिसाब से ना। कई बार तो ऐसा होता है कि आप कुछ चीजें अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर रहे होते, वो अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होते। तो वो चीज कितना मेन रोल है आपकी आपकी लाइफ में कि आपके घर वालों ने आपको बोल दिया कि भाई नेगेटिव कुछ बातें बोल दी, वो चीज आपको मतलब बहुत हर्ट करी अंदर से, और वो चीज आप अपने दोस्त से शेयर करोगे ना, वो आपको तुरंत उसी टाइम पे आपको वहां से निकाल देगा। वही है कि दोस्त ही आपको मतलब कोई भी कुछ सकता है, दोस्त आपको नीचे खींच भी सकता है। ऐसा हुआ है जैसे मतलब क्लोज फ्रेंड तो गिराएंगे नहीं उठाएंगे। नहीं, वो होता है कि कैसा इंसान आपका दोस्त। हां भाई भाई थे, भाई सपोर्ट करते हैं, तो मेरे भाई है उनको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वो कर दिया। और कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा मेरे साथ रहा, उसने हमेशा मेरे को बूस्ट करने की कोशिश करी कि वो भी मेरे लिए पॉजिटिव चीज और हमने थे हमारा तो बताओ भैया कह रहा हम भी थे हमारा तो बताओ। ये तो कैम मतलब कैम ने तो साथ ही थे हमेशा ही। ये तो स्टार्ट कहां से हुआ तुम्हारा? मैं से कैम से, मेन तो कैम से ही जर्नी है ना स्टार्ट। देख तेरी तो वही से भी मैंने तो हमेशा तो साथ ही हुआ है ना, तो मैंने तो दोस्त बोले ना, वही दोस्त बोले बातचीत है, लड़ाई नहीं हो रही बातचीत तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। देखो दोस्त आपके जो भी साथ में है ना वो आपको हमेशा बूस्ट करते रहेंगे। अगर आप खुद नेगेटिव हो तो दूसरा बंदा भी नेगेटिव ही मिलेगा आपको। वही बोलते ना आपका सर्कल वैसे ही मिलेगा आपको, वाइब जैसी वाइब। हाँ आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग कभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाओगे? बिल्कुल करेंगे, करना प्रोफेशनल बॉक्सिंग कब, मतलब कुछ ऐसा आफ्टर मैच्योर, आफ्टर मैच्योर जल्दी ही पता लग जाता है। इससे बोला ऐसा कुछ नहीं है, रोज आके मैच्योर भी कर सकते हैं, मैच्योर भी प्रो भी कर सकते हैं। हां दोनों साथ में ये कब हुआ, कब का और क्या और का है? अच्छा प्रो की ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं, खेल भी सकते आप मतलब। हाँ खेल मतलब एज इन के प्रो पहले खेल के फिर उसके बाद एमेच्योर, प्रो पहले बहुत पहले करो चेंज हो गया सब। तो एक लास्ट चीज पे आते हैं कि क्या नाम है, हमारे जितने भी अपकमिंग जो भी स्पोर्ट्स वाले लोग हैं जिनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ शायद बॉक्सिंग को लेकर डर होगा या प्यार होगा, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या है बोलने के? ये है कि शुरुआत में तो हर चीज टफ होती है, कोई भी चीज इजी नहीं है। आप किसी भी चीज में सोचो कि ऐसे ही जाऊंगा और जीत के आ जाऊंगा, ऐसा कुछ पहले उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लंबा टाइम देना पड़ता है। जब आपको वो चीज़ समझोगे, समझने के बाद भी लंबा टाइम देना पड़ता है उसका एक्सपीरियंस लेने में, उसके बाद आप परफेक्ट होते हो। कभी भी डायरेक्टली आप कोई भी गेम ले लीजिए, किसी भी स्पोर्ट्स में स्टडी में ले लीजिए, किसी भी चीज़ में ले लीजिए, हर एक चीज़ में आपको मेहनत और टाइम को देगा कि सही, उसके बाद ही आप उसको कुछ मिलेगा, ऐसे कभी भी नहीं। तो बॉक्सिंग जब आप समझ जाते हैं, जब सीख लेते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। चौधरी जी ने कभी गलत थोड़ी बोला। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं इन्होंने सही बोला है, ये कि
आप और किसी को देख के सीख रहे हो ना, मतलब आपके आसपास कोई सीनियर प्लेयर है जैसे कोई भी गेम में कोई भी, हाँ तो मोटिवेशन ऐसी ऐसा लो उनसे कि आपको बूस्ट करे आगे। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कुछ गलत चीजें मत देखो उनमें, क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंसान और प्लेयर कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो उनको पॉजिटिव वे में देखो कि उनकी उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या, उन्होंने क्या क्या अच्छा चीज किया। हाँ कैच करो जल्दी, ये नहीं कि मतलब यार वो नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, क्या नेगेटिव उनमें, मतलब वो चीज देख ली किस चीज से वो आगे जल्दी बढ़ रहे हैं, या कुछ भी चीज ऐसे कि जिससे मतलब उनको गलत इफेक्ट पड़े वो चीज जल्दी कैच नहीं करनी। ये चीजें मतलब मैंने बहुत देखी बच्चों को, बच्चे हाँ मोस्टली बच्चे क्या है, पॉजिटिव चीजें हार्ड होती है ना, वो हार्ड होगी जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं करनी पड़ेगी होंगी ना, जिस चीज का आपको मेहनत का फल अच्छा मिलेगा वो उसका जर्नी क्या बहुत लंबा होगा, उसका रोटेशनल आपको पूरा राउंड लेके चलना पड़ेगा, और जो आपको जो शॉर्टकट होगा वो डायरेक्ट निकल लोगे और आगे आपको पक्का आप गिरोगे खत्म भी जल्दी हो जाओगे। तो बहुत मजा आया इस बारे हमें कविंदर भैया और आशीष भैया के साथ, और हमने देखा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कितनी मुश्किलों भरी होती है और कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, पर साथ ही साथ कितने मजे भी आते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते थे जब हम बोलते थे कि करना क्या क्या करना पड़ता है। बट आई होप कि बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी अब और मेरे पे भरोसा हो गया होगा। बाकी आज मैं अपनी ड्यूटीज को सौंपती हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी इसने ले ली थी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हम तुम और बातें, साइनिंग ऑफ। मैं ज्यादा अच्छा करती हूँ। ओके बाय।